परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम एक बार फिर से ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से एक साथ प्रभु की स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज की प्रार्थना जो मिस्टर आर एच प्रेम के परिवार एवं मिस्टर समीर दास के परिवार की के लिए रखी गई है, परमेश्वर इस प्यारे परिवार को, दोनों परिवारों को बहुतायात से आशीष दे। प्रार्थना के लिए आज के मनन के लिए जो वचन चुना गया है वह पाया जाता है भजन संहिता के 66 उसका 19 एवं 20। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबों को आशीष दे। तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति तेरी में सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी में सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सर दंड सह लिया उसने, कोड़ खा के क्रूस उठा के ये सुने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी में सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी में सर्वदा। प्रार्थना के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की महिमा में और अपनी आत्मिक तैयारी के लिए हम कुछ गीतों को गा लेंगे।
सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, yeah.
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित इस पारिवारिक संगति का जो उपस्थित है उन सबका स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार कहता हूँ। सचमुच में ये बड़े ही आनंद का और आश्चर्य का विषय है कि जैसे ही ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ तो आज पहली इस आत्मिक सभा में मुझे कुछ आपसे बातचीत करने का मौका पादरी साहब ने प्रदान किया। मैं पादरी साहब का भी बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चूंकि समय की कुछ अलग से लिमिटेशंस हैं इसलिए मैं तुरंत अपने विषय के ऊपर आना चाहूँगा। मैं आज के ठहराए हुए पाठ के लिए अपनी बेटी श्रीमती श्रद्धा मोजेस से अनुरोध करूँगा कि वे चुने हुए पाठों के लिए पढ़ने में अगुवाई करें। पहला पाठ जो हमें मिलता है योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 12 और 13 पद जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। दूसरा पाठ जो हमें मिलता है वो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 1 पद से लेकर के 11वें पद तक। मरकुस 7वां अध्याय 1 पद से लेकर के 11वें पद तक जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भलीभांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता को से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के ऊपर आशीष दे। इस वचन की 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आइए इन वचनों के ऊपर परमेश्वर की आशीष मांगे। हे जीवित दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों में उपस्थित होते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र संगति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित सारे भक्तजनों के लिए, धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी प्रभु जो इन वचनों के द्वारा सुनने से पढ़ने से और मानने से अपने आप को
धन्य मानते हैं और इन वचनों के ऊपर चलने का नियत प्रयास करते हैं प्रभु। इनमें से सबको, प्रत्येक को आशीष देना प्रभु। जो कुछ मैं आपके वचन से आज की शाम को शेयर करता हूँ प्रभु, मेरे साथ होना, अपनी सामर्थ्य से मुझे भरना प्रभु। कुछ भी प्रभु तेरे वचन से भटक कर इधर उधर ना बोलने पाऊँ, सिर्फ तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जो तू बुलवाना चाहता है वो अपनी कलीसिया के लोगों से और सब लोगों से बात करने वाला हो सकूँ प्रभु। अपनी सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु। हर बात में तुझे धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को तेरे प्यारे बेटे मसीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अभी जो आपने चेलों का और प्रभु यीशु मसीह का जो कन्वर्सेशन सुना चेलों के बारे में, कुछ फरीसी और शास्त्री हैं जो यरूशलेम से आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के चेलों की कंप्लेंट कर रहे हैं। यहूदियों के समय में जो परंपराएं, जो विधियां, जो बातें उनके पूर्वजों ने लिखी थी या एक व्यवस्था की कुछ पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए जो कही गई थी, वे उनका बड़े स्ट्रिक्ट रूप में पालन किया करते थे और आज तक भी वो लोग पालन करते आ रहे हैं। यदि आप अरेबियन कंट्रीज की बात करें या वहां रहने वाले अन्य भक्तों की बात करें, तो वो ईशनंदा करके एक शब्द को चुनते हैं और ईशनंदा में जो भी दोषी पाया जाता है उसको तुरंत मृत्यु दंड के द्वारा दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड के रूप में मतलब उनको मौत की सजा दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि उस बात से जो परंपरा, जो विधियां, जो व्यवस्था की जो चीजें हैं वो जो लिखी गई हैं, उससे थोड़ा भी डायवर्शन उन लोगों को पसंद नहीं है। और जब उन्होंने देखा कि चेले जो है उन बातों को नहीं मान रहे, तो वो चेलों से बात नहीं कर रहे, वो चेलों के गुरु के पास आकर के उस गुरु से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये लोग जो हैं वो तेरी परंपराओं के अनुसार या यहूदियों की परंपराओं के अनुसार या हमारे पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार नहीं चलते। फॉर एग्जांपल, वो जब भी बाहर से आते हैं तो ये तो नहीं कि वो हाथ धो करके या प्रॉपर जो जो गाइडलाइंस उनको दी गई हैं उसके अनुसार से काम करें, परंतु वे भोजन करने लगते हैं। और ये कंप्लेंट करने में उनका शायद ये आशय रहा होगा कि अब यीशु मसीह की भी परीक्षा ली जाए कि ये अपने चेलों के बारे में इनके प्रति क्या एक्शन लेता है। एक व्यवस्था की एक घटना में आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसका विवरण गिनती नामक पुस्तक उसकी 15 अध्याय में दिया गया है। उस समय व्यवस्था ये कहती थी कि सवत के दिन कोई किसी प्रकार का काम नहीं करेगा, चाहे काम किसी भी प्रकार का हो। और उस समय क्या होता है कि जो यहूदी लोग होते हैं वो एक बच्चे को कुछ कचरा वचरा बीनते हुए पकड़ लेते हैं और उनकी नजर में सबत के दिन चूंकि काम करना बड़ा गुनाह माना जाता था, इसलिए उसको लेकर के वो आते हैं और लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बच्चा जो है सबत के दिन काम करता वो पाया गया। तब मूसा और हारून जो है उस बच्चे को बारे में कुछ गाइडेंस लेने के लिए यहोवा से बात करते हैं और यहोवा खुद उपस्थित होकर के बोलता है कि पाप किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, व्यवस्था के अनुसार विश्राम दिन के अंदर या सबत के दिन के अंदर कार्य करना मृत्यु दंड के योग्य है। और चेले पकड़ करके और जो सॉरी यहूदी और फरीसी जो उसको पकड़ के लेके आए थे वो उस बच्चे को पकड़ करके मार देते हैं। ये घटना सुनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो परंपराओं के प्रति कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी जो कंप्लेंट करने वाले हैं उनका जो प्रभु यीशु मसीह के पास आने का जो तात्पर्य है, जो कंप्लेंट करने का जो तात्पर्य है, वो यीशु मसीह की परीक्षा करना भी है कि देखें अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बारे में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह का दंड देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं
यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। कपटी मतलब जो ऊपर से दिखा करके बात करते हैं, जिनके मन में कुछ और है, जीवन में कुछ और है, वो चाहते तो कुछ और हैं, उनका दिल तो कुछ और करने के लिए बोलने के लिए कर रहा है, लेकिन वो दिखाने के लिए कुछ और बोलते हैं सुपरफिशियल वे। क्या बात करें, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। हम में से भी बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मायसेल्फ, आज चर्च भवन में जाते हैं। हमारा जो चर्च जाने का तरीका है वो हम यहोवा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति अपने आप को नम्र और दीन करके नहीं जाते। हम अपने वस्त्रों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने फैशन की चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने जेवरों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने बालों के ऊपर, अपने लिपाई पुताई के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे या कुछ होंगे भी जो टूटे मन के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करके चर्च के भवन में एंटर करते हैं, और शायद वो दिल में इस बात को स्वीकारते हैं कि परमेश्वर अपने भवन में हम लोगों का, हम भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? आज का जमाना जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध संसार में चारों ओर फैला हुआ है। ये दूसरा जो कोविड का सेशन चालू हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर की पहले सेशन के दौरान एक चेतावनी हम मनुष्य जाति को दी जा चुकी है, और जिसमें ना सिर्फ भारतवर्ष, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ अमेरिका, परंतु पूरा विश्व इस चेतावनी के द्वारा प्रभावित हुआ है। हर देश में आप देखें तो भुखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्थाओं का तोड़, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। और मेरे ख्याल में यदि सब कुछ नॉर्मल हो गया तो तब भी सब कुछ, हर किसी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कम से कम 3 या 4 साल और लगेंगे। लेकिन हमने उस पहली चेतावनी का जो यहोवा परमेश्वर ने हम में से मनुष्य जाति को दी, उसके बारे, उसके बाद भी हम लोग कितने चेते, कितने सिंसियर हो गए, उसके बावजूद हमारे घिनौने काम दोबारा शुरू हो गए। हम तो बड़े खुश हो गए। आप यदि देखें उस समय के समाचार पत्रों को, जब बाजार की दुकानें खुली तो मारामारी फैली हुई थी और प्रत्येक घर में स्थिति यह थी कि एक ना एक प्रभावित है ही है, कैजुअलिटी भले ही ना हुई हो, लेकिन खतरा बराबर इस बात का था कि हर घर में से एक ना एक सेक्रीफाइस होने ही वाला, सेक्रीफाइस मीन्स उसका अंत होने ही वाला है। लेकिन आप शराब की दुकानों के ऊपर लाइन देखें, और अन्य भोग विलास की वस्तुएं जो मिलती हैं उनके ऊपर आप रश देखें, उससे आप पाएंगे कि मनुष्य जाति को उस चेतावनी के प्रति कुछ भी गंभीरता नहीं है, बावजूद इसके कि ये भविष्यवाणी के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो कि योएल नबी अपनी किताब में कह रहा है। योएल नबी बड़े डिक्लेयर वे में कह रहा है, और ना सिर्फ योएल नबी अपितु जितने भी उस टाइम के भविष्यवक्ता हैं, सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ऐसा एक दिन आएगा जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी, जब भुखमरी चालू होगी, जब टिड्डियां आएंगी, जब ओले पड़ेंगे, जब भूस्खलन होंगे, और वगैरह वगैरह वगैरह, और सब कुछ होना शुरू भी हुआ। टिड्डियों को आते हुए हमने देखा, बाढ़ लगातार आ रही है, भूकंप लगातार आ रहे हैं, और भी जितनी भौगोलिक घटनाएं हैं जो हम लोग सिर्फ भूगोल की किताबों में पढ़ा करते थे एक जमाने, सब प्रत्यक्ष रूप से आज की तारीख में हो रही है, उसके बावजूद हम नहीं जीते। लिहाजा कोविड का सेशन सेकंड रूप में चालू हुआ, और हमारे
जो साथी हैं, जो इस संसार के प्राणी हैं, वो दोबारा से मरना शुरू हो गए। न जाने इसका अंत क्या होगा, न जाने योगा का क्रोध कब खत्म होगा। क्या हम बात कर रहे थे, यहोवा ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी करी। क्या भविष्यवाणी करी है? यदि हम निकालें यशाया नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय 13 और 14। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको ये कहना चाह रहा है कि जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने आप को धनवान समझते हैं, जो अपने आप को बहुत साधन संपन्न समझते हैं, उनका सारा स्मार्टनेस वो इस वचन के द्वारा ये बता रहा है कि मैं एक ऐसा अद्भुत काम करूंगा कि इनकी ये सारी जो जितने भी एसेसरीज हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, जिसको कहते हैं अर्श से लेके फर्श पर आना। परमेश्वर हर काम को करने में समर्थी है। वो दाऊद बादशाह को चरवाहे की जगह से उठा करके राजा बना सकता है, तो सुलेमान बादशाह को राजा से उठा करके दोबारा आम आदमी बना सकता है। यदि वो परमेश्वर के भवन को बनवा सकता है तो वो परमेश्वर के भवन को उजड़वा भी सकता है। और यहां वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऐसे लोगों के बीच में मैं एक अद्भुत काम करूंगा। मतलब उनको लगेगा ये कैसे हो गया, और शायद ये सब कोई अचानक हो। अभी हम लोग बात कर रहे थे, परसों की बात है, कोला रोड पे अचानक एक व्यक्ति के ऊपर ऊपर से बिजली गिरी और विद इन नो टाइम उसका आधा धड़ ही खत्म हो गया। वो बेचारा क्या सोच करके निकला होगा और क्या सोच करके उसके अंत हुआ, भगवान जाने। और इस दिन की घटना, इस प्रकार की घटना कोई नई घटना नहीं है। इस बारे में भविष्यवाणी की गई है कि अचानक ऐसा होगा, एक आदमी खेत जोत रहा है तो कुछ खेत जोता रह जाएगा, एक आदमी चक्की पीस रहा है तो चक्की पीसता रह जाएगा, एक आदमी कुछ कर रहा है तो कुछ करता ही रह जाएगा, और अचानक ऐसा हो जाएगा। अचानक परमेश्वर आएगा और आपका और मेरा न्याय करेगा। इन सब को छोड़ हम उन परंपराओं की ओर दौड़ते हैं जो हमने खुद बनाई है। यदि हम परंपराओं की बात करना शुरू करें तो यहोवा परमेश्वर ने बड़ी स्पष्ट रूप से हमको कुछ आज्ञाएं दी हैं। मैं सबका विवरण तो आपको नहीं देने पाऊंगा, लेकिन चंद जो घटनाएं हैं, चंद जो आज्ञाएं हैं, मैं आपके सामने साथ में जरूर शेयर करूंगा। खतना, खतना एक ऐसी आज्ञा थी कि भाई सातवें दिन पहले टीका, जो भी खतना की विधि थी उसके द्वारा से उस बच्चे का खतना किया जाएगा। यीशु मसीह का भी हुआ, जितने भी परमेश्वर के सेवक हुए प्रत्येक का खतना हुआ। खतना और खतना रहित, इन दोनों के द्वारा अंतर पैदा करते हुए पौलुस और पत्रस को वचन की सेवकाई दी गई, जो धर्मी और धर्मी के रूप में उन्होंने की भी। और जब खतना की विधि के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उसका कहना यह था कि भी जो खतना किए हुए लोग हैं वो मेरे प्रजा माने जाएंगे, और जो खतना किए हुए लोग नहीं हैं वो अविश्वासी माने जाएंगे, गैर धर्मी। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, उस विधि के प्रति हम में से कितने लोग सिंसियर हुए। आज भी इस संसार में कुछ धर्मावलंबी ऐसे हैं जो कि खतना की विधि को मानते हैं। आज भी उन घरों में खतना की विधि मानी जाती है, लेकिन हम अपने बहुत सारे कहना चाहिए उसको एक्सपेक्टेशंस को, बहुत सारे नियमों को या
वर्तमान में जो संविधान चल रहा है उसको प्रयुक्त करते हुए उन सारी विधियों को दरकिनार कर देते हैं। यहोवा की विधियों को मानना हमारा धर्म है। यदि आप भजन संहिता की 119वां अध्याय पढ़ें तो इसमें दाऊद राजा सिर्फ विधियों और नियमों को मानने के लिए यहोवा से बार बार दुहाई देता हुआ दिखता है, जो कि एक बड़ा सामर्थी राजा था, एक अच्छी पोजीशन गेन किए हुआ राजा था, बहुत बहादुर राजा था और उसको शायद किसी चीज की कमी ना रही होगी, लेकिन तब भी वो यहोवा से बार बार कह रहा है, हे प्रभु मुझे अपने धर्म और नियम बता जिससे कि मैं तेरी आज्ञाओं को तेरे पीछे पीछे चल सकूं, तेरी आज्ञाओं को मान सकूं और तेरे पीछे पीछे चल सकूं। लेकिन हम आज की मनुष्य जाति इन सब बातों को दरकिनार कर देते हैं। हम सिर्फ वो चीजें करना चाहते हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, जो हमारा मन कहता है, वो चीजें कहना नहीं चाहते, वो बातें करना ही मांगते जो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा या इस पवित्र वचन के द्वारा हमसे कहने के लिए कहा गया, करने के लिए कहा गया। यदि कुछ ऐसी बातों की हम बात करें कि जैसे स्पष्ट जो आदेश थे, जैसे पर्व, झोपड़ी का पर्व, कटनी का पर्व, जो आपने व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार देखे होंगे, उसमें भी कितने लोग हैं जो आज कितने पर्वों को हम लोग मानते हैं? हम वो मानते हैं जो किसी अन्य जाति में हो रहा है, जो हमारे धर्मग्रंथ में लिखा ही नहीं गया। एक घटना मुझे याद आती है, करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। मेरा बेटा प्रतीक, जिसकी शादी जमशेदपुर में हुई, उसके जो इन-लॉज, मतलब उसके जो इन-लॉज हैं, उनके हम लोग शादी की बात करने के लिए मैं और दीप्ति गए और वहाँ कुछ इस तरह की बात चल रही है, हमारे पास समय बड़ा कहना चाहिए उसको कम है, शादी की डेट फिक्स करने के लिए हमारे पास मात्र 2 या 3 डेट्स थी। उनका जो बेटा है या हमारे बेटे का जो साला है, उसकी सिक्किम में बी फाइनल की एग्जाम चल रहे थे और उसका 18 फरवरी को लास्ट पेपर था। 18 फरवरी को वो ट्रेवल करता रात को, तब वो 19 फरवरी को आ सकता था। 19 से लेकर के 25 तक ये 6 दिन मात्र थे जिनमें हमको शादी की डेट फिक्स करना थी। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से लैंड चालू हो रहे थे। हम लोगों में आपस में जब चर्चा हुई कि भी लैंड्स में तो हम शादी नहीं कर सकते, और ये चर्चा इससे पहले की किसी विवाद में पहुंचती, हालांकि मैंने उसको बोला नहीं, लेकिन मन में मेरा जरूर आया कि ऐसा कहां लिखा हुआ है कि लैंड्स में शादी नहीं कर सकते। अरे उपवास काल में यदि हम कुछ काम करेंगे तो कितना धन्य काम होगा। एक पर्टिकुलर जाति के बारे में सुना है कि भी 30 दिन तक, 40 दिन तक ये काम नहीं होता, या कड़वे दिन होते हैं या मीठे दिन होते हैं। हमने तो ऐसा ना कहीं पढ़ा ना कभी सुना, लेकिन खैर जो परंपरा है, जो लोगों ने कहा उसके हिसाब से हम लोग बाउंड थे। मजे की बात यह कि जमशेदपुर जाने के लिए हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेन चलती, हमारे पास मात्र 5 या 6 दिन थे। किस्मत से उस ट्रेन भी उस दिन मिल गई, किस्मत से हमारे जितने बराती थे उनका रिजर्वेशन भी मिल गया, किस्मत से लौटने के लिए भी ट्रेन मिल गई, और सब कुछ विधि पूर्वक होने पाया। बेटा और बहू जिस दिन लौट करके, अपने हनीमून ट्रिप से लौट करके इंडिया आए, सेकेंड डे से या थर्ड डे से शायद लॉकडाउन चालू हो गया। परमेश्वर अपना अनुग्रह जब दिखाना चाहता है तो कितने शक्तिशाली रूप में दिखाता है। आप उसके कामों को देखेंगे, सोचेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि सचमुच में परमेश्वर के दिए हुए काम, और एक प्रत्येक घटना आप सोचते जाएंगे तो आपका दिल सचमुच में धन्यवाद से भर जाएगा।
और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि भाई प्रेम और भाई समीर दास के घरों के द्वारा जो प्रार्थना सभा आयोजित हुई है उसको मैं संबोधित कर पा रहा हूँ। ये दोनों परिवार विगत दिनों कोविड पॉजिटिव के रूप में चिन्हित किए गए, दोनों परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए। ईश्वर ने इनको सामर्थ्य दी, इनकी सहायता करी और आज दोनों हस्तेल रहे, प्रसन्न हैं, परमेश्वर के भवन में आकर के धन्यवाद भी दिया। कितनी अच्छी बात, कितनी जीवित गवाही। लेकिन क्या हमारा प्रत्येक परिवार इन घटनाओं से कुछ सबक लेगा, या हम उन्हीं पुरानी परंपराओं को मानते हुए, कुछ ऐसी परंपराओं को मानते हुए जो दूसरे धर्मों की हैं, हमारी नहीं है, उनका पालन करेंगे? एक बात जरूर है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि भाई ये मेरा पवित्र लहू है जो तुम्हारे लिए नहीं बहुतों के लिए बहाया जाता है, ये नई वाचा का लहू है, मेरी याद में, मेरे स्मरण की स्मरण में तुम इसको किया करो, वो हम जरूर कर रहे हैं। सचमुच में कम से कम ईश्वर की बताई हुई एक विधि का पालन तो हम पूर्ण संपूर्णता के साथ कर रहे हैं, धन्यवाद का विषय है। लेकिन वो भी क्या हम मन से कर रहे हैं? वो भी हम कपटियों के नहीं तो नहीं कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए, जब हम प्रभु भोज लेने के लिए जाते हैं तो क्या सचमुच में हम पश्चाताप करके जाते हैं? आज लगभग 30 दिन होने को आए, लगातार हम पश्चाताप के ऊपर, लगातार हम अन्य परंपराओं के ऊपर बड़े बड़े भाषण तो सुन रहे, लेकिन सचमुच में हमारे दिल पश्चाताप से भरे हुए हैं? क्या हमने दिल में पश्चाताप किया है? क्या हमने दोबारा से यहोवा की ओर लौटने का प्रयास किया है? जब सिर्फ हम अपने भाषण को लिख करके, अपने भाषण को बोल करके, व्यक्तियों से अपनी प्रशंसा पा करके बड़े अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, हमें परमेश्वर की उन चेतावनियों का कोई भी प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है। आप जाकर के देखिए उन लोगों को जो सचमुच में इस चेतावनी के द्वारा प्रभावित हुए। आज भी उन परिवारों में जाकर के देखिए जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है, तब शायद इन चेतावनियों की गंभीरता से आप परिचित होने पाएंगे। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप से पादरी साहब का धन्यवाद देते हुए मैं अपने वचन के मनन को समाप्त करूंगा और आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आज के वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष मिले। आज के इस इतने सुंदर वचन के लिए प्रभु हम सबों को बहुतायात से अनुग्रहित करें। मेरी प्रार्थना है कि कोविड के इस संकट के समय हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आप सबों को जय मसीह।
जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है, भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, जगत के अनेक विश्वासियों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। आमीन। आमीन।